हे गाइज, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो गाइज, आज है काफ़ी स्पेशल डे मेरे लिए और आपके लिए भी, तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा कि आज है गाइज मेरा रोका, और रोका है मेरी बहुत अच्छी दोस्त अंकिता के साथ में। तो जैसा कि आप अंकिता को जानते हो, शी इज़ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो गाइज, हम लोगों का रोका फिक्स हुआ है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एडवांस में, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोग मुझे कमेंट में अच्छे अच्छे शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे कॉन्ग्रेचुलेशन दोगे। तो मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर में हूँ और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं हमारे बैंक्वेट की तरफ। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हो कि अंकिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब दोस्त से भी अच्छी, बहुत अच्छी दोस्त है। तो गाइज, हम लोग मुंबई में साथ में थे, काफ़ी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है साथ में, काफ़ी हम लोगों ने सॉन्ग बनाए, आप लोगों ने मेरे और अंकिता के गाने भी देखे होंगे। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड हमारा पर्सनल इंटरेस्ट देखते हुए भगवान ने भी मतलब हम लोगों को एक किया है कि ठीक है, दोनों म्यूजिशियन हैं, दोनों अच्छे बच्चे हैं, तो दोनों को साथ में होना चाहिए। काफ़ी मैं थोड़ा सा नर्वस भी बोलते हुए और आप लोगों को ब्लॉग करते हुए कि मैं कैसे ब्लॉग करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है सुमित, जो खुद एक यूट्यूबर है, वो मेरी हेल्प करेगा मेरी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। और गाइज, अगर आप मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना, और आपको कैसा ब्लॉग लग रहा है मुझे ये भी बताना। तो ये थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए कि मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो गाइज, हम लोग जाएंगे बैंक्वेट में, और बैंक्वेट में मेरी फैमिली ऑलरेडी पहुँच चुकी है, वो लोग वहाँ तैयारी वगैरह कर रहे हैं बाकी की। मैं यहाँ रह गया हूँ, पापा है और मेरे फ्रेंड आने वाला है, बाकी एक दो लोग हैं, हम लोग यहाँ से गाड़ी में जाएंगे। तो गाइज, मैं आप लोगों को ज़्यादा ना पकाते हुए यहाँ से ले चलता हूँ सीधा बैंक्वेट, और सुमित से मिलाता हूँ, बाकी सब करेगा सुमित हैंडल। तो बाय गाइज, तो आप फाइनली मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, हम लोग जा रहे हैं अपने बैंक्वेट हॉल, और ये रहा सुमित। सुमित हाय बोलो। व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सुमित कुमार। तो गाइज, सुमित आगे से सारी बागडोर संभालेगा, और इधर है अजय, मैं हाय तो बोल। हेलो, ठीक है। और ये रहा गज्जू। गज्जू कहाँ जा रहा है? देखो शर्मा रहा गज्जू, ठीक है। तो गाइज, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बैंक्वेट, और अभी हम लोगों ने स्टॉप इसलिए लिया है, मैं आपको रियर कैमरे से दिखा जूम कर दिया है ना। तो गाइज, सामने आपको देख रहे होंगे पापा, ठीक है। तो अभी वो बना रहे हैं फलों का टोकरा जो शगुन में काम आता है, और बारिश बहुत हो रही है बहुत, तो अभी इन्होंने ये शायद टोकरा ये वाला बनवाया। तो बारिश बहुत हो रही है गाइस, ये देखो पूरा पानी भर रहा है, पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, यहाँ ब्राउन हो चुका है। चलो गाइस, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और फटाफट पहुँचते हैं, बारिश हो रही है और कहीं ट्रैफिक जाम लग जाए। तो बाय। तो भाई, पहुँच चुके हैं अपने बैंक्वेट हॉल के सामने, और वो रहा अमन। एंट्री ले रहे हैं अंदर। हमारे साथ है रजनी भैया। ये रहे रजनी भैया, एकदम बेहतरीन लग रहे हैं। ये आउटफिट देखो भाई इनका, एक नंबर। ये यहाँ का एडॉन, छोटा डॉन। चश्मा तो लगा? चश्मा चश्मा लगा। बातचीत चलो लगा लगा का हॉल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा भाई स्टेज। तो गाइस, अब मैं आऊँ थोड़ा सा कचअप करने के लिए, और ये हमारे रूम है, जैसा कि आपको सुमित दिखाया। तो एक दो तीन, ये तीन रूम है, और तीन रूम के अंदर मेरी पूरी फैमिली।
फ्री है और मैं भी थोड़ा टचअप वगैरह कराने के लिए जा रहा हूँ, तो चलो। अभी बस अंकिता का एक सोलो फोटोग्राफी सेशन चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद आगे की जो रस्में हैं वो करेंगे। अमन थोड़ा सा बिजी है, मैं उसका व्लॉग वगैरह कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। तो भाई ये भी एक रस्म है, इसमें अंकिता के पैर धुलवाएंगे। ये अमन का भाई है छोटा। इससे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी उसमें अंकिता इस सीट पे बैठी हुई थी और जो रिचुअल परफॉर्म हो रहा था वो अंकिता के लिए था। एक्चुअली जो अमन है वो महाराष्ट्र से है, तो जो सारा ट्रेडिशनल रिचुअल था वो महाराष्ट्रीय स्टाइल में हो रहा था। जो लड़के वाले थे उन्होंने अंकिता को गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, अब अमन की बारी है। अब जो लड़की वाले हैं वो अमन को गिफ्ट्स वगैरह देंगे। तो ये है रोका सेरेमनी अमन की, आगे मैं आपको दिखाता रहता हूँ कैसे कैसे सारे रिचुअल्स हो रहे हैं यहाँ पे। अब अंकिता के घर वाले अमन को गिफ्ट्स वगैरह देंगे, क्लोथ्स एंड टीका वगैरह होगा यहाँ पे। ये रहा अमन का कुर्ता, जो ये पहनने वाला है, मेरी तरफ से मिला है, तो ये पहनने वाले हैं। चलिए, अमन भाई साहब का फोटोशूट चालू है, अमन का फोटोशूट चालू है और इस तरीके से लग रहे हैं हमारे अमन भाई साहब। देखो भाई, ऑफ वाइट कुर्ता पजामा बेहतरीन। अभी अमन का टीका हो रहा है।
गाइस रोका सेरेमनी तो अच्छे से हो गया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक्चुअली जो अंकिता और अंकिता की फैमिली है वो कानपुर से बिलोंग करती है, तो उन्हें वापस कानपुर पहुँचना है। तो अभी वक्त हो रहा है रात के 11:10 इन द नाइट, और अमन है मेरे साथ और अमन का छोटा भाई गोलू है। हम जा रहे हैं यहाँ से फटाफट से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि 12 बजे की हमारी ट्रेन है। 12 बजे की ट्रेन है और चक्कर ये हो गया है कि इनको टाइम पे पहुँचाना है, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। और सब कुछ जरूरी है, फोटो सेशन भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, डांस भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन हर चीज की वजह से टाइम नहीं मिला। ठीक है, कोई नहीं, हम बाकी की कसर अच्छे से पूरी करेंगे बाद में। लेकिन यह हमारा कार्यक्रम बहुत जबरदस्त हो गया और एक नंबर का मजा आ गया और फोन गिर गया सुमित का। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी पहुंचना बहुत जरूरी है टाइम से। हाँ, क्योंकि ट्रेन मिस हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने सीट बेल्ट पहनूंगा पहले। ठीक है, तो गाइस हम आपको मिलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन, क्योंकि गाड़ी उठानी है थोड़ी सी। मिलते हैं, चलो यार फटाफट चलो। अंकिता की ट्रेन है 12 बजे की, बस फटाफट से अंदर जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही। अरे मैं ये स्काई वॉक बना हुआ है ना, स्काई वॉक पे हूँ, स्काई वॉक के नीचे। हाँ बस अब पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, उसी गेट पे। हाँ 12 बजे चल रहे भाई, परेशान हो रहे हैं। ये देखो थोड़ी भागा दौड़ी सी हो गई है। गया भाई फाइनली ट्रेन के अंदर, इतनी हौच पौच। फाइनली हमें अपनी ट्रेन मिल गई है। पहले जो है गलत कोच में चढ़ गए थे, उसके बाद फिर हमने फाइनली पहुंचा ही दिया। देखा हमने दूसरी कोच था हमारा M2, फिर हम आ गए और फिर सामान वगैरह रखा, फाइनली सबको बिठा दिया है और अब टेंशन नहीं है। अब बस थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है। चलो टाटा। और आप लोग ऐसा लगा मुझे बता देना, और ये पहले एकदम रॉ था हमारा ब्लॉग जो था। मेरी सुमित ने बहुत हेल्प करी है, सुमित थैंक यू सो मच। कोई नहीं भाई, ये तो अपना यार, बैक टू घर। सुमित ने बहुत हेल्प करी है भाई मेरा ब्लॉग बनाने में और बहुत ज्यादा मजा आया। और ये देखो ट्रेन भी जा रही है, बॉलीवुड वाला सीन कर दिया हम लोगों ने बिल्कुल आज। तो भागा दौड़ी है ना, तो बॉलीवुड मूवी की तरह। चलो गाइस चलते हैं अब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा जो मैंने बनाया। अच्छा ही लगा होगा, इतनी मेहनत करी है। मेरे को बनानी पड़ी क्योंकि फैमिली थी तो सब कुछ शूट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं दिखा नहीं पाया वीडियो में। बस स्टिल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, बाकी शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली गाइस।